E20 इथेनॉल के साथ आता है। यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलता है। ये देखो इसके इनिशियल और मिड, ये देखो दो नंबर पे। सो हे गाइस, आज मेरे साथ है पल्सर N160। तो इस गाड़ी का जो है ना एक छोटा मोटा राइड रिव्यू देने वाला हूँ। गाड़ी जो है ना बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो इसको जो है ना राइड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो, गियर इंडिकेटर जो है ना बहुत सही है। इस गाड़ी का लुक्स, बॉडी डिज़ाइन वो सारे जो है ना एक जगह पे रख के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड आपको ये गाड़ी क्यों लेना चाहिए वो भी बताने वाला हूँ। बाकी जो है ना आगे से डूब दे रहा है तो क्वालिटी जो है ना थोड़ा ख़राब होने वाला है। अगर आप चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस गाड़ी को चला के मुझे ये फील हो रहा है कि इसका लो एंड टॉर्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने कई सारे बाइक चलाया है, मैंने डोमिनर चलाया है, 390 चलाया है, लेकिन इसका लो एंड टॉर्क जो है ना वो थोड़ा अलग है। प्लस इसका जो इनिशियल पिकअप है देखो, एंड जो मिड है ना वो बहुत एग्रेसिव है भाई। आपको बता दूं गाइस, इसमें आपको मिलता है 16 BHP। इसका जो टॉर्क है ना वो है 14.65 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क है, जो कि काफ़ी हद तक सही है भाई, बहुत सही है। इसका इंजन का पावर जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। हालांकि इस गाड़ी का टॉप एंड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस गाड़ी का जो है ना मिड रेंज और जो इनिशियल पिकअप है ना वो बहुत ज़्यादा सही है। इसमें जो है ना आपको ट्रिपोमीटर, टैकोमीटर जो है ना वो सारे चीज़ जो है ना डीजल मिल जाता है इसमें आपको। खैरुकिन से यहाँ पे जो है ना आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, ये देखो। आप आराम से जो है ना अपना गैजेट, फोन वो सब चार्ज कर सकते हो। दिस इज द अनदर N160। कई सारे लोग बोल रहे थे कि इसमें स्लीपर क्लच है, लेकिन कंपनी जो है ना एडवर्टाइज नहीं करता है कि इसमें स्लीपर क्लच है। बाकी इसमें जो है ना स्लीपर क्लच नहीं है, थोड़ा बहुत जो है ना गाड़ी जो है ना हैंडल कर लेता है अगर आप एग्रेसिवली क्लच छोड़ रहे हो तो। ऐसा लगता है कि इसमें स्लीपर क्लच है, लेकिन कंपनी जो है ना क्लेम नहीं करता है। इसमें आपको जो है ना डुअल चैनल ABS मिलता है। अभी हम लोग जो है ना ब्रेकिंग एबिलिटी चेक करेंगे, फ्रंट ब्रेक को ट्राई करेंगे। भाई ब्रेकिंग बाइट बहुत सही है। अभी हम लोग चेक करेंगे रियर ब्रेक को। भाई दोनों एक साथ मारेंगे तो स्किड खाने का चांसेस नहीं है। देखो इस गाड़ी में आपको डिसेंट सा माइलेज मिल जाता है, 50 KMPL का। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो तो आपको 50 मिल जाएगा। अगर हाईवे में ले जाओगे इसको तो 44 का माइलेज क्लेम करता है कंपनी। एक बार गाइस इस गाड़ी को खींचना तो बनता है, थोड़ा सा खींच के देखूंगा। ये देखो इसके इनिशियल और मिड, ये देखो दो नंबर पे। भाई दो नंबर पे 65 टच कर रहा था। बाइक का वेट जो है ना वो 150 kg है, लेकिन चलाने में ऐसा फील नहीं होता है। इसके स्टेयरिंग की वजह से बहुत कंफर्ट फील होता है गाड़ी को चलाने में। भाई इस तरह भी धूप दे रहा है, अभी मुझे मोड़ना ही पड़ेगा। एक अच्छे से लोकेशन में जाके जो है ना गाड़ी को रख के वीडियो बनाएंगे। एक प्रॉब्लम तो फेस करने के लिए मिलता है इसमें भी, वो क्या है आपको पता लग जाएगा आगे जाके मोड़ते चलो। इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस जो है ना बहुत ही बेकार है। इवन जितनी भी पल्सर है ना उसका टर्निंग रेडियस बहुत बेकार है। मैं यहाँ पे गाड़ी जो है ना घुराने वाला था, लेकिन ये भैया जो है ना आ गए। चलो कोई नहीं, मैं भी यहाँ पे मोड़ लेता हूँ। बजाज की जितनी भी गाड़ी पल्सर सीरीज की देखो, टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा कम है भाई। एंड दी हॉर्न इज अमेजिंग। बाकी मुझे जो मिरर है ना उसको देख के थोड़ा अजीब लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है। देखो लो एंड ट्रक में दिखा रहा हूँ, गाड़ी को स्लो कर रहा हूँ मैं, 4 नंबर गियर पे है। देखो 20 की स्पीड में भी जो है ना 4 नंबर से आराम से खींच रहा है गाड़ी। देखो बहुत सही लो एंड टॉर्क है भाई। भाई लोकल लोकल भाई लोकल लोकल ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है भाई बजाज ने। सनसेट हो रहा है देखो, आगे से डूब दे रहा है भाई। मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। 16 BHP ओके। आपको इससे थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए तो आप NS 200 पे जा सकते हो। तो गाड़ी का हमने कुछ ऐसे टाइप के लोकेशन में पार्क कर दिया है। कमिंग टू द टायर प्रोफाइल, तो फ्रंट में आपको 180/17 मिलता है। रेयर टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये 130/70/17 सेक्शन का टायर है। एज ऑलवेज रेयर में जो है ना आपको मोनोशॉक मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। अपसाइड डाउन फोक्स जो है ना बहुत ज़्यादा सही लगता है। इसका लुक जो है ना बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में जो है ना। हेडलैम्प में जो है ना आपको प्रोजेक्टर मिलता है देखो। तो इसका DRL देखने के लिए ना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा गाड़ी। ये हमने स्टार्ट कर दिया, चलो DRL देखते हैं। ये देखो क्या धासू सा लुक आ रहा है, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, पूरा किलर टाइप का लुक है। एंड मुझे MTC जो है ना थोड़ा बेटर लग रहा है गाड़ी। एग्जॉस्ट देखो अंदर वेली है, तो थोड़ा एक्सलेट करता हूँ देखो। ओ भाई डर गया था मैं, बहुत ज़्यादा लाउड है भाई।
बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड है, मानना पड़ेगा। चलो बंद कर दीजिए इसको। एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा लाउड है, आपको मॉडिफाई करना नहीं चाहिए अगर आप ले रहे हो तो। पल्सर का 3D लोगो देखो, बहुत प्यारा सा दिख रहा है। तो इस गाड़ी के इंजन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको मिलता है 164.82 सीसी का इंजन, जो कि सिंगल सिलेंडर है एंड 4 स्ट्रोक के साथ आता है। एंड ये जो है ना ऑयल कूल है, तो बहुत ज़्यादा सही है भाई, ऑयल कूल गाड़ी लेना चाहिए आप लोगों को भी। एंड जो फ्यूल कैपेसिटी वो है 14 लीटर का, कंपनी क्लेम करता है, थोड़ा ज़्यादा तो आना चाहिए। E20 इथेनॉल के साथ आता है। यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलता है। कमिंग टू द मीटर, सारा चीज़ जो है ना वो डिजिटल हो चुका है। देखो आपके फ़ोन में अगर नोटिफिकेशन आता है ना, तो यहाँ पे आप जो है ना रीड कर सकते हो उसको भी। यहाँ पे कोई डिस्टेंस MT जो है ना वो दिखाता है। ऑल्सो इसमें जो है ना आपको ABS के मोड्स मिल जाते हैं, 2-3 मोड्स जो है ना ABS के है इसमें। इस गाड़ी में गाइस आपको जो है ना 5-speed गियरबॉक्स मिल जाता है। तो देखो जिसको जो है ना 17-16 BHP का पावर अच्छा लगता है, तो वो लोग जो है ना ये गाड़ी ले सकते हैं। इससे आपको थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए तो NS की तरफ जा सकते हो, नहीं तो जो है ना N250 भी जो है ना वो आता है मार्केट में, वो भी बहुत ज़्यादा सही है। यहाँ पे जो है ना किक का ऑप्शन दे रखा है, आप जो है ना इसमें किक भी फिट कर सकते हो। मैं आजकल जो है ना ज़्यादातर रिव्यू नहीं देता हूँ व्हीकल्स की, ज़्यादातर मैं जो है ना ब्लॉग पे फोकस कर रहा हूँ। तो इस साइड से अगर देखेंगे तो गाड़ी का व्यू जो है ना कुछ ऐसा है। देखो गाड़ी का लुक्स ओवरऑल जो है ना काफ़ी हद तक ठीक है, काफ़ी हद तक प्रीमियम लगता है देखने में। आज के जनरेशन में ना आपको NS160 में नहीं जाना चाहिए, आपको जो है ना N160 लेना चाहिए। तो जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा था गाइस, अपना जो है ना स्पेस खत्म हो गया था, क्योंकि बहुत दिन से GoPro नहीं चलाया था एंड मेरा जो स्टोर का वीडियोस है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो फुल हो गया। बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है रात में, मैंने इस गाड़ी को रात में भी चलाया था। बाकी इस गाड़ी का लुक देखो बहुत ज़्यादा सही है भाई, सही मस्त मस्त है। मैं ज़्यादा स्पेक्स के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि सभी लोगों को जो है ना आज के ज़माने में स्पेक्स जो है ना वो गूगल पे मिल जाता है, तो मतलब ज़्यादा ज्ञान पेलने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिकली गाड़ी को देखो बहुत ज़्यादा सही है। N160 आज के ज़माने में अगर आप NS लेने जा रहे हो तो ना एक बार इस गाड़ी को देख लो। N160 जो है ना NS से बेटर है, NS160 से, ठीक है ना। सो होप गाइस आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो गाइस मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे नहीं हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी गाइस मिलते रहेंगे अगले एक मस्ती वीडियो में। चेक दिस व्यू एंड गुड बाय गाइस।